और दुर्ग जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राम गोपाल गर्ग ने वर्ष 2023 में घटित अपराधों को लेकर बताया। साल 2022-23 में हर प्रकार के अपराध में कमी आई है। साल 2022 में कुल 7,411 अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं, तो वही वर्ष 2023 में कुल 6,555 अपराध पंजीबद्ध हुए। इस प्रकार 2022 की तुलना में वर्ष 2023 में लगभग 12% अपराधों में कमी देखी गई है। इस वर्ष हुए डकैती, लूट, नागजनी, चोरी तथा चिट फंड के मामले में 15 और आरोपियों के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया गया। वर्ष 2022 में 7,223 में वर्ष 2022 की तुलना में जो हमारे इंडियन पिनल कोड के ऑफेंसेस हैं उसमें रजिस्ट्रेशन में करीब 12% की कमी आई है। 2022 में 7,411 पंजीबद्ध हुए थे और 2023 में 6,555 अपराध पंजीबद्ध हुए। उस प्रकार लघु अधिनियम के कार्रवाई जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है और करीब 20% की बढ़ोतरी लघु अधिनियम में। प्रतिबंधात्मक कार्रवाई में भी लास्ट ईयर के मुकाबले करीब 100% जो इजाफा हुआ, 7,000 से करीब 14,000 आंकड़ा हमसे पहुँचा। इस प्रकार जो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई और अपराधों के नियंत्रण के कारण 2023 में विधानसभा चुनाव जहाँ पे हुए थे छत्तीसगढ़ में, दुर्ग जिले में काफ़ी हम भी शांतिपूर्वक चुनाव यहाँ पर संपन्न हुए हैं और ये हमारे पुलिस अधिकारी कर्मचारी इसके अलावा 2024 में हम लोग बेसिक पुलिसिंग पे भी फोकस करेंगे। नाइट पेट्रोलिंग और अन्य जो भी बेसिक पुलिसिंग होती है उसको फोकस करते हुए अपराधों के नियंत्रण और अपराधों की रोकथाम पर फोकस रहेंगे। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग विभिन्न तरीके की ऐप्स और जो मोबाइल बेस्ड ऐप्स और वेब ऐप्स हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। कुछ जैसे कि साइबर प्रहरी हमारा अभियान अभी शुरू हो गया है जिसको कि अभी लॉन्च करेंगे, जिसमें कि हम अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर उनको साइबर अपराधों के संबंध में सचेत करने के लिए जानकारी देंगे। दूसरा है हमारा 3 नयन करके एक हम ऐप बनाएंगे जिसमें